मैं एक फीचर्स की मैं बात कर रहा था जो कि स्पेशली रेंज रोवर में आता है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी के पास आते हैं और जैसे ही हम गाड़ी को लॉक करते हैं, शीशा ऑटोमेटिक फोल्ड हो गया है। आप देखोगे वहाँ का शीशा, यहाँ का शीशा ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, उधर का शीशा ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है और उसके बाद इधर का शीशा आपका ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। बेस्ट चीज़ है, आप मारुति की किसी भी गाड़ी में करवा सकते हो। डेल्टा प्लस मॉडल में ऑप्शन नहीं आता। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ शीशा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ शीशा ऑटोमेटिक खुल जाता है। 360 की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर मैट्रिक्स स्टाइल में रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिलता है। पूरी मारुति जेन्युइन कनेक्टेड लाइट मिलती है जो कि स्पेशली टॉप मॉडल अल्फा टर्बो के अंदर आती है। डायमंड 2 के 11.38 वाला पूरा इसके अंदर सिस्टम लगाया है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रो ऑटो के साथ 360 के साथ आपको पूरा देखने को मिलता है इसके। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्ण भाई के पास आए हैं ऑटो यूनिक पे। भाई फ्रॉन्ग सा रखी आज, डेल्टा प्लस वाला मॉडल है, कम बजट में बढ़िया काम हुआ है भाई। मैं आपको बजट भी अभी बताता हूँ, मात्र 40,000 रुपये में गाड़ी काम किया गया है और जितना भी मेजर काम होता है, मेन काम होता है, वो काम किया गया भाई। तो एंड तक देखना, शानदार वीडियो होने वाली है। इंटीरियर शानदार किया गया भाई, तो बढ़िया काम होने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है ऑटो यूनिक एक और नई वीडियो में। मैं आपका अपना दोस्त अनुज तिवारी एक बार और आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं फ्रॉन्ग्स का डेल्टा प्लस मॉडल। ऐसा नहीं कि डेल्टा प्लस मॉडल है तो डेल्टा प्लस ही आती है, अपने पास सिग्मा मॉडल, अल्फा मॉडल, सारे ही मॉडल आते हैं। बाकी एक सिग्मा मॉडल खड़ी है जिसके अंदर काम हो रहा है, एक सिग्मा मॉडल फ्रंट में खड़ी है जिसके अंदर काम हो रहा है। तो ए टू जेड सारी मॉडिफिकेशन अपने पास होती है। बाकी इसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है अपनी गाड़ी में, क्या क्या करवा सकते हो, आपको वो भी बताने वाला हूँ। और एक नई खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अगर आप दिल्ली जैसा सेम मॉडिफिकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में कराना चाहते हो तो वो भी आपको करके देने वाले हैं। आप झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के जो हमारे कस्टमर है ना वो दिल्ली नहीं आ पाते। 1400-1500 किलोमीटर ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वही सेम मॉडिफिकेशन आप कोलकाता भी करा सकते हो। कॉल करके अपना स्लॉट जरूर बुक कर लीजिए। बाकी इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है सबसे पहले मैं बताता हूँ और क्या क्या आप करवा सकते हो आपको वो भी बता देता हूँ। आपको पता है डेल्टा प्लस के अंदर 3 ice cube वाली DRL ऑलरेडी कंपनी से मिलती है। फंक्शन की मैं बात करूँ, जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो आपको इंडिकेटर मिलता है और जैसे ही गाड़ी को लॉक करते हैं आपको इंडिकेटर मिलता है। बेस मॉडल है तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये चेंज करा सकते हो जो कि मारुति जेन्युइन आता है। बाकी फ्रंट की तरफ फ्रंट ग्रिल के पास पूरा रिप्लेसमेंट वाला आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ग्लॉसी फिनिश में चेंज करा सकते हो। बाकी एक इसके अंदर आपको 360 डिग्री की प्लेसमेंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो 1080 के अंदर पूरा आपको क्लियरिटी देखने को मिलता है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे ब्रांड में जो ट्रस्टेड ब्रांड का आप नाम जानते हो उस ब्रांड में हमारे पास अवेलेबल होता है। बाकी फ्रंट में आप देखो कि 3 ice cube वाली जो अपनी हेडलाइट होती है वो होती है इसके अंदर। बाकी हम प्रेफर करते हैं कि बेस मॉडल वाली प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर आप ऑप्शन है। जितनी भी हैवी आपको LED चाहिए वो हम आपको देने वाले हैं। बाकी नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन है, अगर डेल्टा प्लस आप ला रहे हो और आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, आप अपनी गाड़ी में वो लगवा सकते हो। बाकी इस गाड़ी के अंदर क्या क्या हुआ है सबसे पहले मैं बताता हूँ। जैसे इसकी की है, डेल्टा प्लस मॉडल में ऑप्शन नहीं आता। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ शीशा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ शीशा ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है जो आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा सकते हो। एक बेस्ट चीज़ और भी लगाई है जो स्पेशली रेंज रोवर में फंक्शन आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी 360 की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगी। क्रोम लाइन डोर वाइजर इसके अंदर हमने लगाए हैं। हैंडल ऑलरेडी बॉडी पेंट आता है, किसी भाई को अगर बेस मॉडल है बॉडी पेंट कराना है तो वो करवा सकते हो, इसके ऊपर क्रोम लगाना है तो वो करवा सकते हो। बाकी मिरर आपको पता है रेगुलर पुरानी वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी ब्लैक कलर के अलॉय इसके अंदर कंपनी से फिटमेंट आते हैं, किसी भाई को अगर टॉप मॉडल वाले अलॉय चाहिए या फिर ब्लैक वाले अलॉय चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल होता है, आप हमारे पास आके वो भी लगवा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन है, आप अगर चाहते हो तो इसके अंदर हम साइड बीडिंग लगा देंगे, अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर विंडो गार्निश लगा देंगे। बाकी एक अच्छी चीज़ मैं और दिखाऊँ, आप एक बार यहाँ का साउंड चेकआउट करो और आप यहाँ का साउंड चेकआउट करो, आपको ज़मीन आसमान का फर्क मिलेगा। रीज़न क्या है, इसके अंदर हमने डबल लेयर डैम्पिंग की है जिसके वजह से आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी नॉइज अंदर नहीं जाता, गाड़ी के अंदर नॉइज़ कैंसलेशन होता है, म्यूजिक सिस्टम आपका इंक्रीज होता है और बिल्ड क्वालिटी आपकी 40 से
50% तक इंक्रीज होती है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है अगर आप मारुति महिंद्रा की गाड़ी, होंडा की गाड़ी लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप डैम्पिंग ज़रूर करवाओ। बाकी आप आगे की तरफ आते हो तो इसके अंदर हमें एक छोटी सी चीज़ डोर गार्ड लगाया है। बाकी जो मैं रेंज रोवर वाली चीज़ बता रहा था आपको, एक बार वो भी बताता हूँ। पीछे की तरफ आप देखोगे तो इसके अंदर आपको प्रॉपर मैट्रिक्स स्टाइल में रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिलता है, जिसके अंदर 3-4 मोड के ऑप्शन होते हैं अलग अलग वैरायटी के अंदर। इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बाकी एक पूरी मारुति जेन्युइन कनेक्टेड लाइट मिलती है, जो कि स्पेशली टॉप मॉडल अल्फा टर्बो के अंदर आती है। वो सेम चीज़ आपकी गाड़ी में हम इंस्टॉल करते हैं। यही चीज़ होती है कि बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन। मार्केट में बहुत सारा स्कैम चल रहा है और अब जाके वो स्कैम लोगों को पता भी लगने लग गया है कि कुछ चीज़ों में आपको इतना रेट कम दे देंगे, शायद मारुति भी नहीं देती, और वही पैसा कहीं और निकाल लेंगे। तो इस स्कैम से आप ज़रूर बचना। बाकी मैं कैमरे की प्लेसमेंट दिखाऊं तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। फ्रंट में एक कैमरा, रियर में सेकंड कैमरा, दोनों मिरर में हमारे दो कैमरे, टोटल 360 कैमरा, 4 कैमरे का सेटअप इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। बाकी पीछे की तरफ हमने इसके अंदर रियर गार्ड लगाया है। आप फिटमेंट की बात करोगे, मैं प्रॉपर तरीके से अगर खड़ा हो जाऊंगा तो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक बेस्ट चीज़ है जो हम आपको करके देते हैं। बाकी अंदर की तरफ मैं दिखाऊं तो प्रॉपर तरीके कैसे आपको पार्शियल ट्रे देखने को मिलता है, जो कि मारुति जेन्युइन है, प्रॉपर पार्ट नंबर के साथ देखने को मिलेगा। बाकी डेल्टा प्लस था जो भैया का ओरिजिनल सिस्टम आता है, भैया ने वो हटा के इसके अंदर पूरा डायमंड 2K विद 360 वाला सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बूट लाइट लगाना चाहते हो तो बूट लाइट भी लगा सकते हो, जो कि आपको विद सेंसर के साथ मिलती है। बूट मैट लगाना चाहते हो तो आप इसके अंदर बूट मैट भी लगा सकते हो। और जो मैं एक फीचर्स की मैं बात कर रहा था, जो कि स्पेशली रेंज रोवर में आता है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी के पास आते हैं और जैसे ही हम गाड़ी को लॉक करते हैं, शीशा ऑटोमेटिक फोल्ड हो गया है। आप देखोगे वहाँ का शीशा, यहाँ का शीशा ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, उधर का शीशा ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, और उसके बाद इधर का शीशा आपका ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। ड्राइवर साइड में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, आप मारुति की किसी भी गाड़ी में करवा सकते हो। बाकी एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ पूरा मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ। बाकी अंदर की तरफ आओगे आपको प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट क्वालिटी में लेदर ऐप देखने को मिलेगा, जो बर्फी पैटर्न में आज इसके अंदर हमने लगाया है। बाकी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको दोनों ही तरफ में कुशनिंग बेस्ट क्वालिटी में आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाला पैनल पूरा चेंज करा सकते हो, जिसको ग्लॉसी फिनिश के अंदर आता है। बाकी आपने देखा होगा जो कंपनी से ओरिजिनल आता है वो स्विच वैसा ही होता है, और वैसा ही सेम हम बेस मॉडल के अंदर भी लगाते हैं। बाकी हैंडल लीवर चेंज कराने का आपके पास ऑप्शन है। ट्विटर यहाँ पे आप डेल्टा प्लस है तो आप लगा सकते हो, हमारे पास सारी ब्रांड के ट्विटर अवेलेबल होते हैं। बाकी एम्बियर लाइट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक बेस्ट क्वालिटी की आपको एम्बियर लाइट देखने को मिलेगी, जो 6 पीस ऑफ सेटअप के अंदर इसके अंदर आई है, जिसके अंदर 2 पीस आपके डैशबोर्ड और 4 पीस आपके चारों डोर के अंदर आते हैं। बाकी अंदर की तरफ आओगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप वेलकम लाइट लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हमने बेस्ट क्वालिटी की एक फ्लोरिंग लगाई है, जो कि डाई वाली फ्लोरिंग आई है, बीच में क्लीन ओनिंग होनी बात की है। बाकी प्रॉपर तरीके से SIPL कंपनी के प्रो सीरीज के मैट लगाए हैं, जो बिल्कुल फिटमेंट के साथ मैट होते हैं। बाकी अंदर की तरफ जो अपना स्पेशली 23-24 हज़ार रुपये का पूरा वर्क, हम 20 हज़ार रुपये का इंटीरियर का ऑफर दिवाली पे दे रहे थे, वो भी अपना चल रहा है। दिवाली का नेक्स्ट डे आज भी हमारे पास टोटल 6-7 गाड़ियों के अंदर वो इंटीरियर कवर होके गया है। उसका फिटमेंट कैसा आता है अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ। बाकी अंदर की तरफ आते हो तो सबसे पहले आपको एक आपके ही स्टेयरिंग के अंदर प्रीमियम पूरा स्टेयरिंग रैप देखने को मिलने वाला है, जो स्पेशली टॉप मॉडल के अंदर आता है। और इसका भी कलर कॉम्बिनेशन हमने डबल कलर में किया है। नीचे की तरफ आपको पूरा टैन कलर और ऊपर की तरफ आपको पूरा ब्लैक कलर का अंदर पूरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर आपके डैशबोर्ड से इंटीरियर और आपका टैन कलर पूरी आपकी सीट और अदर इंटीरियर से पूरा मैचिंग करता है। बाकी सिस्टम की मैं बात करूँ तो इसके अंदर में पूरा हमने डायमंड 2K 11.38 वाला पूरा इसके अंदर सिस्टम लगाया है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ 360 के साथ आपको पूरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, या आपको पूरा लेफ्ट व्यू देखने को मिलेगा। जैसे मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ आपको ये पूरा स्टेयरिंग घुमाते हुए भी देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर मैं आपको राइट व्यू एक बार चेकआउट कराता हूँ, ये आपको पूरा इसके अंदर राइट व्यू देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको स्टेयरिंग टर्न कर रहा हूँ वो आपको पूरा स्टेयरिंग टर्न करने को देखने को मिल जाता है। बाकी ये आपका इसके अंदर फ्रंट व्यू है, ये आपको फ्रंट साइड का व्यू है, और ये आपको इसके अंदर पूरा 3D व्यू देखने को मिलने वाला है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, जितना जितना आपको गैप गाड़ी के साइड में देखने को मिलता है, सेम गैप आपको गाड़ी के साइड में बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिलेगा। आप एक बार यहाँ का चेकआउट कर सकते हो व्यू, और एक बार आप यहाँ का चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, आप अपनी गाड़ी में विद DSP वाला सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हो। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा इसके अंदर म्यूज़िक सेट करना चाहो उस हिसाब से आप इसके अंदर म्यूज़िक सेट कर सकते हो। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ ये पूरा सिस्टम आपको मिलने वाला है। वॉल्यूम को अप डाउन के लिए यहाँ पे आपको पूरा नोव मिलता है, सॉन्ग को
आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे आपको पूरा नोब मिलता है। बाकी एसी वेंट की प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो गई है, जो टॉप मॉडल में स्पेशली आता है। ऊपर की तरफ रूफ लाइट के बल्ब को हमने वाइट कर दिया है। जो भैया का फ्रंट यूएसबी आता है सेम उसी को रख के इसको एक्टिवेट कर दिया है। बाकी डैशबोर्ड का एक बार आप लेदर रैप चेक कर सकते हो, कितना फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाला पार्ट है इसको भी कंप्लीट किया है, और जो इधर वाला पार्ट आता है उसको भी कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोग इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, और हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जो गुमराह होकर उनकी दुकान पे चले आते हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान नहीं होता। बाकी एम्बियन लाइट के कलर्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से स्विच देखने को मिलेगा, जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी गाड़ी के एम्बियन लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी आर्मरेस की फिटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलने वाली है। जो फ्रंट और बैक आगे पीछे स्लाइडिंग प्रॉपर तरीके से आर्मरेस्ट होगा, आपको अंदर की तरफ अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा। अगर कोई आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो तो वो इसके अंदर रख सकते हो। बाकी सीट कवर आपको पता है जो स्पेशली ऑटो यूनिक जिसके लिए फेमस है, अपने जो सीट कवर होते हैं लाइफ टाइम वारंटी वाले। अब सीट कवर की अदर और हमारे में पहचान फर्क क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप हाथ यहाँ से लेके जाओगे ना, बाकियों में क्या होता है सीट कवर आपका सीधा चले आता है, लेकिन इसके अंदर आपको 2 से 3 इंच पूरी सीट एक्सटेंड होती है। और स्पेशली अपना जो 3 सिलाई वाला पैटर्न आता है वो पूरा पैटर्न इसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया है, पूरी थीम इसके अंदर हमने इसके अंदर बनाई है। बाकी पीछे रियर में एसी भी ऑन किया, उसकी भी मैं आपको वर्किंग दिखा दूंगा। बाकी ऐसा अगर कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहता है, अगर आप बेस मॉडल भी लाते हैं, बेस मॉडल और इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज़ फर्क मिलेगी, साइड मिरर हमने इसके अंदर नहीं लगाया, वो कंपनी से ऑलरेडी फिटमेंट है। हेडलाइट में LED हमने नहीं लगाया, वो ऑलरेडी कंपनी से फिटमेंट है। और एक DRL हमने नहीं लगाया, वो ऑलरेडी कंपनी से फिटमेंट है। बाकी 1 लाख रुपये के बजट के आसपास आप ये पूरा मॉडिफिकेशन आप अपनी गाड़ी के अंदर करा सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप बेस मॉडल ला रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में ला रहे हैं या फिर हमारे कोलकाता वाले ब्रांच में ला रहे हैं, आप कहीं पे भी ला रहे हैं, तो आप एक थोड़ा सा टाइम लेके आइए। अगर आपको ऐसा काम कराना है आप मिनिमम 1 दिन ज़रूर लेके आइए। बाकी 1 लाख रुपये का मैं आपको बजट बता चुका हूँ कि 1 लाख रुपये में अगर आप काम कराना चाहते हैं डेल्टा प्लस में, तो आप ऐसा मॉडिफिकेशन ज़रूर करा सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप कोलकाता काम कराना चाहते हैं, दिल्ली काम कराना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी, आपको नियर बाय क्या पड़ने वाला है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको दोनों जगह का एड्रेस और दोनों जगह का कॉन्टैक्ट नंबर मिलने वाला है। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो जी भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। खर्चा बता दिया है 40,000 रुपये में गाड़ी में सारा काम किया गया। तो कोई भाई इस तरीके से काम कराना चाहता है काम करा लेना, चाहे आपका पास बेस मॉडल हो, सिग्मा मॉडल हो, चाहे आपके पास टॉप मॉडल हो, सब में भैया काम कर देंगे। ठीक है भाई, बाकी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जाना, और खर्चा बताई दिया है। डिस्काउंट भाई 90% ऑफ आपको जितनी फ्रॉम एक्सेसरीज है उस पर आपको मिलने वाला है। तो भाई ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को शेयर कर देना तुम्हारे भाई का चैनल है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।